नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज हम बात करेंगे देश के भविष्य के, यानी कि बच्चों के। कहा जाता है कि बच्चे ही देश का भविष्य, और देश का भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चे आज क्या कर रहे हैं, वही निर्धारित करेगा कल देश का भविष्य क्या होगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा वो ये चीज निर्धारित करती है कि हम आज कर क्या रहे हैं। तो यही देखना है कि हमारे बच्चे आज क्या कर रहे हैं और कल हमारे देश को कहां। तो पिछले कई वर्षों से मैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया संलग्न हूं, तो व्यक्तिगत तौर पर मैंने बहुत सारी खामियां, बहुत सारी चीजें महसूस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स महसूस जो बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ, उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स को, कुछ खामियों को मैं लेकर आया हूं आपके समक्ष रख, जो मेजर प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम और सबसे भयंकर प्रॉब्लम जो आज के टाइम पे है, वो है मोबाइल की। हम देखते हैं छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक सभी जो है मोबाइल की जिद बांध देते हैं। बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसके स्कूल जाने से पहले मोबाइल चला रहा है, स्कूल से आया मम्मा मोबाइल दे दो, पापा मोबाइल दे दो, तो इस तरीके से मांगता है, और ट्यूशन गया ट्यूशन से आया मोबाइल दे दो, और हम खुश करने के लिए उन्हें दे भी दे, लेकिन इस चीज पर कंट्रोल करना भूल जाते हैं कि वो देखेगा क्या। हमने दे दिया, वो यूट्यूब खोला, शॉर्ट्स चला रहा है, क्योंकि जनरली बच्चे करते हैं शॉर्ट्स ज्यादा देख, तो शॉर्ट्स चला रहा है, फिर क्या चीजें आ रही, जो चीजें आप देखते हो, क्योंकि वो आप ही की आईडी से है, उसमें कई सारी चीजें ऐसी भी आ रही जो बच्चों के लिए प्रतिबंधित है, उन्हें नहीं देखना चाहिए, लेकिन बच्चे देख रहे हैं। इसका परिणाम क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है, कि बच्चे आते हैं मेरे पास और या कहीं भी जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं या ट्यूशन आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो मैं देखता हूं कि बच्चे जो है किसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका अर्थ भी उन्हें नहीं पता है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं उन्हें मना करता हूं कि बच्चों ऐसा नहीं दे, और जब पूछता हूं कि कहां से सीखा, कहते हैं भैया यूट्यूब से, शॉर्ट से सीख, ठीक है, या फिर सर शॉर्ट से सीख, तो बहुत खुश होकर बताते भी हैं। ये हमारी कमी, हमारी खामी है कि हम इस चीज पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं बच्चा क्या देखेगा। दूसरी चीज, हाल फिलहाल का अनुभव है कि मैंने देखा कि बच्चे आते हैं, किसी गैंगस्टर का नाम लेंगे, भैया सर मैं उसका बड़ा फैन हूं, और सिर्फ बच्चे ही नहीं कि उसके पेरेंट्स भी, कि भैया ये इसका बड़ा फैन है, किसी गैंगस्टर का नाम दे रहे हैं, किसी अच्छे व्यक्तित्व का भी नहीं। तो इसमें दो चीजें हैं, पहली चीज, क्या हम उनके लिए व्यक्तित्व निर्धारित नहीं कर सकते, कि क्या महान व्यक्तित्व की कमी हो गई है दुनिया में, किसी हम उनके लिए ऐसे व्यक्तित्व निर्धारित करें जिनसे वो प्रेरणा ले, कुछ अच्छी चीजें सीखे और कुछ अच्छा बेहतर करने का प्रयास करें, ना कि ये कि वो किसी गैंगस्टर को, किसी माफिया को या गन कल्चर को, कि आजकल YouTube पे इन सब चीजों को बहुत हाईलाइट किया जाता है, किसी माफिया को बहुत हाईलाइट किया जाएगा, तो इन सब चीजों से बच्चे सीखते हैं, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। जो आज बच्चे सीख रहे हैं, जो कहते हैं 5 साल तक के बच्चे होते हैं या 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे होते हैं, उनके जो सीखने की क्षमता है, जो लर्निंग एबिलिटी, वो बहुत ज्यादा होती है। बच्चे जो आज सीख रहे हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रहा है, और ये चीजें अगर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई तो आगे चल के फिर हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चा बर्बाद हो रहा है, बच्चे का पढ़ने मन नहीं, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है इन फ्यूचर आगे चल, अगर हम अभी ध्यान नहीं दें। तो पहली चीज है कि हम अपने बच्चों के व्यक्तित्व का निर्धारण, और दूसरी चीज है कि क्या हमारा बच्चा सिर्फ फैन बनने के लिए आया है, क्या हम बच्चों को सिर्फ फैन बनने के लिए लाए हैं दुनिया में, ये सब विचार करने का विषय।
अगर हम उन्हें अच्छे व्यक्तित्व से परिचित कराएंगे तो वे उनसे प्रेरणा लेंगे और कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ना कि दुनिया में सिर्फ फैन बन के रहेंगे जो कि अपार संख्या में। और अगली समस्या जो मैंने महसूस की वो ये है कि अभी अभी हाल में मैंने एक पुस्तक देखी थी, क्लास फर्स्ट की पुस्तक, तो जो है मैंने देखा कविता लिखी हुई थी और राइम बनाने के लिए कैसे भी शब्दों का, कैसे भी अपशब्दों का प्रयोग किया। अगर आप सोशल मीडिया जुड़े होंगे मेरे साथ तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे तो मैंने उसको हाईलाइट कर, मतलब कुछ भी। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है, ये चीजें स्कूल वालों को ध्यान रखनी है कि हम कैसी पुस्तकें लगा रहे हैं, उसमें कैसा कंटेंट है, इस चीज पर फोकस करें। हमारे बच्चे जो भी देखे वो अच्छा कंटेंट देखे। अगर हम उन्हें मोबाइल भी दे रहे हैं तो हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं पर हमारा कंट्रोल है। हम उन्हें कुछ हमेशा कुछ क्रिएटिव सिखा रहे हो, कुछ अच्छा बेहतर सिखा रहे हो, ना कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है गैंगस्टर बनना है, गुंडा बनना है, ना ये चीजें ना जा रही हूं मैं। आप मुझसे बेहतर इन सब चीजों को अनुभव करते होंगे। मैं थोड़े टाइम के लिए बच्चों को बताऊं, और जो पेरेंट्स हैं या अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप देखते होंगे कि वो जो है उनके साथ आपका टाइम ज्यादा स्पेंड होता है और आप बेहतर चीजें देख पाते हैं, मुझसे ज्यादा आप इन सब चीजों से परिचित होंगे। तो जब भी हम अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हम उस पर कंट्रोल करें कि जो है बच्चा क्या देख रहा है। अगर बच्चे हमारे छोटे हैं तो हम कोशिश करें कि YouTube किड्स ओपन करें, बहुत सारी चीजें एनिमेशन भरा पड़ा है, बहुत सारी क्रिएटिव चीजें भरी पड़ी है, हमारा बच्चा कुछ वैसा कर रहा। और एक और जरूरी कि कई बार पेरेंट्स आकर कहते हैं कि मुझे सिर्फ मार्क्स से मतलब, आप मारो पीटो बच्चे को, ठीक है कि बच्चा कैसा भी रहे सिर्फ मार्क्स आने चाहिए। और मैं देखता हूं कि सभी बच्चों की जो एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटीज है, वो एक तरीके की नहीं, कोई अच्छे मार्क्स ला सकता है और कोई नहीं ला सकता। तो यहाँ पे बात ये हो जाती है कि क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ मार्क्स लाने वाली मशीन बना रहे हैं। जी हाँ, मार्क्स लाने वाली मशीन, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये बहुत बच्चों पे दबाव रहता है, बच्चे बहुत इससे डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब स्कूल जा रहे हैं, सुबह उठ के 7 बजे स्कूल गए, स्कूल से खाना वाना खाए फिर भागे तुरंत ट्यूशन, ट्यूशन में पढ़ रहे हैं 1.5 घंटे 2 घंटे, ठीक है मतलब टाइम जा रहा है बच्चे, फिर वहां से आए फिर अपना मोबाइल दे दिया गया कि मोबाइल देख रहे हैं और उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं। तो ये सारी चीजें हैं कि हम अपने बच्चे को मार्क्स लाने वाली मशीन बनाने की बजाय एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनाने पर फोकस नहीं करते। ठीक है बच्चा मार्क्स लाए जरूरी है, लेकिन ये ना हो कि वो उसकी एबिलिटी से, उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा हो जाए, उसे एक्सेसिव मेहनत ना कराई, बच्चे क्रिएटिव बने, ताकि बच्चे सिर्फ याद किए जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। इन सब चीजों पे मुझे लगता है थोड़ा स्कूल्स को भी ध्यान देना चाहिए कि जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाना चाहिए और हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पे कि हमारे बच्चे सिर्फ मार्क्स लाने वाली मशीन। और ऐसे भी पेरेंट्स हैं मेरे पास कई सारे जो इनके बच्चे हैं, वो आकर कहते हैं कि भैया मार्क्स क्या आ रहे हैं उससे मतलब नहीं, ये अच्छा इंसान बने, ये समझदार बने, अच्छा नागरिक बने, मैं बस इतना चाहता हूं या चाहती हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आके कहते, तो ये आपको निर्धारित कर है कि आप बच्चे को मार्क्स लाने वाली मशीन आ रहे हैं या फिर एक अच्छा नागरिक बनाने पर, एक अच्छा व्यक्ति बनाने पर, अच्छा इंसान बनाने पर। मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाय नहीं करूंगा कि हाँ मार्क्स लाए ही ना, पढ़े ही ना, पढ़े लेकिन क्रिएटिव तरीके से, ताकि याद किए जा रहे हैं, याद किए जा रहे हैं, स्कूल में याद कराया जा रहा है, ट्यूशन में याद कराया जा रहा है, उन सब चीजों का बचना चाहिए।
और थोड़ा हमें अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना चाहिए कि स्कूल भेज रहे हैं, ट्यूशन भेज रहे हैं, फिर उसके बाद घर पे है डांट रहे हैं, तो इन सब चीजों से बचना चाहिए थोड़ा। और वो तो चीज मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ। और उसके बाद तो इन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने आइडेंटिफाई किया, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आप फेस, आप व्यक्तिगत तौर पर इन सब सारी चीजों, और इसके लिए कि आपका बच्चा क्या सीखे, इसके लिए ये करना होगा कि हम उसे जब भी मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल दीजिए अच्छी बात है, मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल का यूज किस तरीके से हो रहा है उस पर ध्यान दे रहा हूं, मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम बच्चे को मोबाइल दे देंगे तो बहुत सारी चीजें एनिमेटेड है, ठीक है, और मैं भी इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपके लिए नया यूट्यूब चैनल एरो किड्स लेकर आया हूं, जिसपे बहुत सारी एनिमेटेड कहानियां, नैतिक शिक्षाएं और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बच्चों को सिखाया जाएगा। और आप जब भी बच्चों को मोबाइल दें तो उन्हें एरो किड्स यूट्यूब चैनल खोल, क्या एरो किड्स, ERO KID, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और आने वाले कुछ समय में उसमें तमाम कंटेंट उपलब्ध हो जाए, इससे बच्चे क्रिएटिव सीख सकते। और सिर्फ एरो किड्स नहीं, इसे बहुत सारे चैनल हैं जिसे आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप खुद से भी सिखा सकते हैं, किसी महान व्यक्तित्व के बारे में बताएं, अगर आप नहीं बता सकते, नहीं टाइम दे पा रहे हैं तो उन्हें मोबाइल दीजिए, लेकिन उन्हें कोई ऐसा चैनल खोल के, ऐसा पेज खोल के, जैसे एरो किड्स करने जा रहा है। एरो किड्स में क्या होंगी कि जो है बहुत सारे ऐसे एनिमेटेड वीडियोस होंगे, बहुत सारी एनिमेटेड कहानियां होंगी, नैतिक शिक्षा होगी, जिससे हम देख रहे हैं बच्चे मोरलिटी से दूर हट रहे हैं, तो बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज आएंगी, बच्चे सीखेंगे कि सिद्धार्थ कैसे थे, श्री राम कैसे थे, तो बच्चे उनसे प्रेरित होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी कैसे थे, कलाम कैसे थे, स्वामी विवेकानंद कैसे थे, तो बच्चे उनसे सीखेंगे और उनसे अच्छी प्रेरणाएं लेंगे। और ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको एरो किड्स पर मिलेंगी, बहुत सारी लर्निंग की चीजें मिलेंगी बच्चों को, अल्फाबेट्स मिलेंगे, वर्णमाला मिलेगी, काउंटिंग मिलेगी, बहुत सारी चीजें एरो किड्स पर बच्चों के लिए मिलने जा रही है। और अगर आपका बच्चा 5 से 5 तक, तो ये चैनल आपके बच्चे के लिए ही, तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप बच्चों को, कुछ दिन तक बच्चा हो सकता है कि इधर उधर करे, लेकिन आप उसे पेज ही ओपन करके दे दें एरो किड्स का, तो बच्चा जब भी स्क्रॉल करेगा, शॉर्ट देखेगा, तो उसमें सिर्फ एरो किड्स के ही शॉर्ट, या फिर आप कोई और भी यूट्यूब चैनल खोल के दे सकते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप एरो किड्स ही दें, ठीक है, आप उसे कोई भी चैनल खोल के दे सकते जिससे वो अच्छा सीख रहा हो, क्रिएटिव सीख रहा हो, क्रिएटिविटी करने का मौका दें उसे, हमेशा ये नहीं कि बस पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो, नहीं, कुछ क्रिएटिव भी करो। आशा करता हूं आप सहमत हैं और आप ऐसा करेंगे और आप मेरे विचारों से सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो, जो भी है आप अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।